अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉबवेब थ्योरी या कॉबवेब थ्योरम। ये बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर वालों के लिए है कि अगर गवर्नमेंट कोई रेगुलेटेड प्राइसेस ना दे, आपको पता है दो तरह की प्राइसेस होती है, एक रेगुलेटेड होती है और एक जो है फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दी जाती है। अगर रेगुलेटेड प्राइसेस ना हो तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है वो कॉबवेब थ्योरी जो है वो परफॉर्म कर रही होती है, कॉबवेब थ्योरी अपना असर दिखा रही होती है। ये क्या है? बेसिकली किसान आज जो फसल काश्त कर रहा है वो उसने पकड़ा है, उसने तैयार होना है कुछ 6-7 महीने बाद। अब वो 6-7 महीने बाद जब वो तैयार होके आएगी, उसको तो उस टाइम वो काटेगा और बेचने के लिए जाएगा, लेकिन उसने कितनी फसल बोनी है वो 6 महीने पहले डिसीजन ले रहा है। और किस प्राइस पे ले रहा है? जो 6 महीने पहले प्राइस है। इसका मतलब है कि किसान कितनी सप्लाई देनी है, कितनी फसल तैयार करनी है, ये कौन कर रहा होता है? किसान डिसीजन कर रहा होता है 6 महीने पहले। यही इसमें सबसे बड़ा मसला है। अब से 6 महीने पहले प्राइस ज्यादा थी तो वो ज्यादा सप्लाई देगा, और 6 महीने बाद जब उसकी फसल तैयार होकर आएगी तो हो सकता है सप्लाई कम हो, सॉरी प्राइस कम हो जाए। तो ये बेसिकली जन्म देता है ये वाला सारा, इसको एक कॉबवेब थ्योरम को आए हम उसको पढ़ते हैं और डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन 3-4 बातें पहले तैयार कर ले, ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है। दूसरा, जो किसान ने कमोडिटी बनाई है, चाहे वो गंदम है, चाहे वो कपास है, चाहे वो मकई है, कोई भी चीज है, तो वो पेरिशेबल है। और किसान जो है वो 5 महीने 6 महीने 7 महीने पहले की प्राइस पे 5-7 महीने बाद की सप्लाई का डिसीजन ले रहा, ठीक है। नहीं जी, हम इसको डायग्राम की मदद से जो है देखते हैं। ये हमारी इस साइड पे Q यानी क्वांटिटी होगी, इस साइड पे P यानी प्राइस होगी। आपको पता है ये डिमांड होती है और आपको पता है ये सप्लाई होती है। अब होगा क्या कि ये इक्विलिब्रियम प्राइस है अगर वैसे देखें तो, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। इनमें सबको Q नॉट और इसको पी नॉट कह देता हूं। किसी भी वजह से इस दफा फसल कम हुई है, वो बारिशें भी हो सकती हैं, वो अनफेवरेबल कोई और कंडीशन भी हो सकती है, सैलाब आ गया, किसी भी वजह से इस दफा फसल कम हुई तो मार्केट में सप्लाई कम होगी। नहीं जी, मैं उसको एक और कलर से जाहिर करता हूं। तो किसी भी वजह से मार्केट में सप्लाई कम हुई, तो अगर वो सप्लाई कम हुई है तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो ये होगी। अब इसको मैं P1 कह दूं और इस पे क्वांटिटी जहर कम है, क्वांटिटी कम थी इस वजह से इसको Q1 कह दूं। इस दफा तो भाई क्वांटिटी कम और प्राइस ज्यादा है, आप ये आपको पता है। तो अब सारे किसान यही सोच रहे होंगे, काश हमने ये फसल तैयार की होती, हमने बोई होती तो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस से इतनी ज्यादा प्राइस मिलती। अब सारे पछता रहे हैं। तो अगली दफा ये सारे के सारे लोग यही फसल काश्त करेंगे, क्यों? इस दफा तो प्राइस ज्यादा मिली, और आपको पता है अगली दफा जो है सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, सारे फसल यही काश्त करेंगे, अगली दफा सप्लाई ज्यादा होगी। अगली दफा सप्लाई ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि प्राइस फिर कम हो जाएगी। ये देखें, अगली दफा सप्लाई ज्यादा तो प्राइस कम, तो इस दफा ये कुछ बना, यानी इस दफा हम किस पे पहुंच गए? हम P2 पे पहुंच गए। क्यों? क्योंकि Q2 था। नहीं भाई, इस दफा सप्लाई ज्यादा तो क्वांटिटी ज्यादा और प्राइस
कब ये सारे कानों को हाथ लगाएंगे, आइंदा ये वाली फसल हमने काश्त ही नहीं करनी। अब जब आइंदा कोई फसल नहीं काश्त करेगा तो अगली दफा सप्लाई कम, जब अगली दफा सप्लाई कम तो जो है प्राइस ज्यादा P3 कर ले और क्वांटिटी कम Q3 कर ले। तो इसी तरह से ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ये आप देखें, अगर मैं सप्लाई लाइन को अब गायब कर दूं, जितनी भी हमने बनाई है, तो आप देखें मकड़ी का जाला जिस तरह से होता है वो बन रहा है। इसी चीज को कहते हैं कॉबवेब साइकिल। एजम्पशन क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर है। नंबर 2, किसान जो बना रहा है वो पेरिशेबल है। नंबर 3, वो डिसीजन ले रहा है उस सप्लाई का जो 6 महीने बाद आनी है, 5 महीने बाद आनी है, 5-6 महीने पहले। ठीक है, अब इसमें काफी सारे केसेस आते हैं। आपने देखा ये हमारी इतनी मजे की कॉबवेब नहीं बनी, क्यों? क्योंकि इसका एक केस होता है कन्वर्जेंट केस और दूसरा होता है डाइवर्जेंट केस। ठीक है, ये कन्वर्जेंट केस क्या है, ये डाइवर्जेंट केस क्या है, उसके लिए मैं आपको पहले कन्वर्जेंट केस सिखाता हूं। कौन से वाला? कन्वर्जेंट। ये क्या है? जो बाहर से अंदर की तरफ आए वो कन्वर्जेंट है। ये कब होता है? जब डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती है। कैसे होती है देख लेते हैं। दोबारा से इस साइड पे आ गई प्राइस, इस साइड पे आ गई क्वांटिटी। पहले वाली डायग्राम में हमने दोनों को एक जैसा रखा था, लेकिन अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम डिमांड को ज्यादा इलास्टिक करेंगे और सप्लाई को कम इलास्टिक करेंगे। आप देखिएगा ये कन्वर्जेंट केस बन जाएगा। कौन से वाला केस बन जाएगा? कन्वर्जेंट। ओके, कराते हैं। नहीं जी, हम अब डिमांड, ये देखेंगे डिमांड है नेगेटिवली स्लोप्ड है और ये सप्लाई है ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और बेहतर करते हैं हम इसको। ये देखें ये सप्लाई है और ये डिमांड है। ठीक है, अब देखें डिमांड जो है वो ज्यादा इलास्टिक है और सप्लाई जो है वो निस्बतन इन इलास्टिक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली सप्लाई यहां पे थी, इक्विलिब्रियम ये पहली सप्लाई यहां पे, तो पी नॉट यहां पे और उस पे क्यू नॉट, और इस दफा कम क्वांटिटी पैदा हुई यानी Q1। क्वांटिटी कम पैदा हुई तो प्राइस ज्यादा, मैं इसको ग्रीन से जाहिर करने लगा हूं। अब क्वांटिटी कम तो प्राइस ज्यादा, अगली दफा तो सारे लोग कहेंगे भाई काश हमने ये फसल काश्त की होती। और चूंकि ये कन्वर्जेंट केस है, ये बाहर से अंदर की तरफ आना चाहिए, सेंटर की तरफ नहीं जी कर लेते हैं। तो अब चूंकि प्राइस ज्यादा थी, लिहाजा अगली दफा सारे लोग यही वाली फसल काश्त करेंगे। जब यही वाली फसल काश्त करेंगे तो सप्लाई ज्यादा, ये देखिए मैं उसको, अब पिछला चौके हमें पता चल गया है, मैं उस सप्लाई लाइन को क्या कर लेता हूं, इरेज कर लेता हूं। अब न्यू सप्लाई लाइन होगी, इस पे सप्लाई ज्यादा यानी क्वांटिटी ज्यादा और प्राइस कम, प्राइस कम P2। ठीक है, और ये Q2। अब जब इसको प्राइस कम मिली और हर तरफ फसल ही फसल है, किसान कान को हाथ लगाएगा, यार आइंदा मैंने फसल ही काश्त नहीं करनी। जब वो कहता है मैंने फसल काश्त नहीं करनी, ठीक है, तो अगली दफा सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए या कम? कम। नहीं जी, अगली दफा सप्लाई कम। ये देखें ये इतनी सप्लाई, तो इस पे प्राइस ज्यादा जिसको मैं P3 कह देता हूं, और ये देखें ये जनाब बस ऐसे अंदर को आता जा रहा है। तो जो कन्वर्जेंट केस होता है वो, अगर मैं इसको ए कहूं, इसको बी कहूं, इसको सी कहूं, इसको डी कहूं, तो ये देखें बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। अब देखते हैं डाइवर्जेंट केस। डाइवर्जेंट केस में सप्लाई ज्यादा इलास्टिक होती है, डिमांड इन इलास्टिक होती है। वो कैसे होती है अभी देख लेते हैं। मैं इधर लिखने लगा हूं डाइवर्जेंट केस। कौन से वाला? डाइवर्जेंट, डाइवर्ट कर रहा है, नाम याद करने के, डाइवर्जेंट केस। ये कौन से वाला है? नहीं जी कर लेते हैं अभी। ये प्राइस, इसको जरा जरा और बेहतर बनाते हैं, इस साइड पे क्वांटिटी। अब हमने सप्लाई को ज्यादा इलास्टिक करना है। नहीं जी, ये सप्लाई है और डिमांड को कम इलास्टिक करना है।
नेगेटिवली स्लो जरूर है डिमांड, लेकिन कम इलास्टिक है। ये देखें सप्लाई, ये इनका इक्विलिब्रियम था, किसी भी वजह से क्या हुआ है, ठीक है, किसी भी वजह से। हम दरमियान से शुरू करते हैं, सप्लाई कम हुई है, क्या हुई है, सप्लाई कम, तो प्राइस ज्यादा। जब प्राइस ज्यादा पी नॉट से, इसको पी वन कह दे, इस पे क्यू नॉट था, तो क्वांटिटी कम थी, ये क्यू नॉट, ये क्यू वन। तो अगली दफा, ठीक है, जो है क्वांटिटी कम थी और प्राइस ज्यादा, तो अगली दफा इसको लोग कास्ट करेंगे। जब कास्ट करेंगे तो अगली दफा सप्लाई ज्यादा होगी। ले जी, मैं उसका कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है, मैं ये वाली सप्लाई लाइन जो है, ताकि हमारा कोबरा खूबसूरत है, ये मिटा देता हूं। और ये देखे, ये यहां से यहां की तरफ, और ये देखे अगली दफा सप्लाई ज्यादा, ये हमारी सप्लाई लाइन होगी। जब सप्लाई बढ़े तो प्राइस कम पी टू, और क्वांटिटी ज्यादा क्यू टू। नहीं जी, इस दफा क्वांटिटी ज्यादा थी, प्राइस कम थी, तो अगली दफा कहेंगे नहीं, हमने तो नहीं वो करनी। तो जनाब ये देखें, अब वो बाहर की तरफ ऐसे जाता जा रहा है, जाता रहा, ये चलता जाएगा, ठीक है। अगर आपको जो है इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरा ईमेल दिया गया है, मुझे आप इससे रिलेटेड ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये केस था कॉबवेब साइकिल, जो मैंने आपको जो है किससे डायग्राम की मदद से समझाया है, और इसके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट केस समझा। अल्लाह हाफिज।